बढ़ रहा कोविड साथ ही बढ़ रही म्यूकरमाइकोसिस, इस विषय पर जानने के लिए आप कर रहे हैं हर कोशिश। ब्लैक फंगस है क्या, कैसे बचे, क्या है इसके लक्षण, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक करें दर्शन। एक बात, ये जो आप मुंह लटका के ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर एंड तक आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो शुरू करें। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, लो आ गया न्यूज़ में। अब ये है क्या? कारण है कुछ प्रजाति के फंगस जो मिट्टी, सड़ती हुई लकड़ियाँ, पत्ते, खाद में उगती हैं, और जैसे पेड़ से बीज, फिर बीज से पेड़ उगते हैं, वैसे ही इस फंगस के बीज को स्पोर्स कहते हैं, जो कि हवा में तैरते हुए सांस के साथ अंदर नाक या लंग्स में जाके बस जाते हैं, या कहीं कट हो तो वहाँ पर बस जाते हैं, और उन्हीं से नया ब्लैक फंगस निकलता है जिससे ये बीमारी होती है। क्या ये बीमारी आपको हो सकती है? ना। आप में से 99.9% में ये स्पोर्ट्स आ भी जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो किन में बिगड़ती है? जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे डायबिटीज़, स्पेशली अगर शुगर कंट्रोल में ना हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, कैंसर, कुछ ल्यूकेमिया, और जो पेशेंट्स बहुत दिनों से स्टेरॉइड्स ले रहे हों। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्या यह बीमारी एक जन से दूसरे जन को हो सकती है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब कोविड में म्यूकरमाइकोसिस क्यों बढ़ रहा है? कोविड में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, ऊपर से स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल हो तो ये दोनों इम्यूनिटी पावर कम कर देती है। कोरोना वायरस ऐसे ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ऊपर से पहले से ही डायबिटीज हो तो कीटाणु इस मीठा स्वाद को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ जिंक टैबलेट खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई टैबलेट में जिंक प्लस आयरन मिला हुआ रहता है, और ये टैबलेट अगर कई दिनों तक खाएं तो फिर आपके खून में फ्री सेरम आयरन बढ़ जाता है, जिससे ब्लैक फंगस को मदद मिलती है। अब इसके लक्षण, वैसे तो इसके कई प्रकार हैं, लेकिन कोविड में राइनोसेरेब्रल फॉर्म सबसे कॉमन है। ये पहले नाक और साइनस पर असर डालता है। साइनस मतलब खोपड़ी की हड्डियों में कुछ खोखले स्थान। कुछ ही दिनों में ये फंगस वहाँ से आँखें और फिर ब्रेन तक पहुँच सकता है। इसमें 2-4 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। लक्षण पहचानना ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले पाएं। लक्षण आराम से याद रख पाएंगे। फंगस नाक या साइनस में रहा तो बुखार, सर दर्द, नाक बंद होना, नाक से पानी गिरना, भूरे या काले रंग का कफ, नाक से खून निकलना, चेहरे में आँख, नाक या गाल के कहीं भी दर्द, सूजन, लाल या काला हो जाना, तालू का काला हो जाना, ऊपर के दांतों का ढीला हो जाना। फंगस आँख में पहुंच जाए तो आँख में दर्द, सूजन, लाल होना, दृष्टि धुंधली पड़ जाना, एक ही चीज़ दोहरा दिखाई पड़ना, और लास्ट में आदमी अंधा भी हो सकता है। और यदि फंगस ब्रेन तक पहुँच जाए तो पैरालिसिस या मृत्यु तक हो सकती है। मेन बात यह है कि पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इन ज़्यादातर लोग ये रोग होता ही नहीं। लेकिन अगर आपके घर में किसी की इम्यूनिटी कम है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको सतर्क रहना होगा, और कोई लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। फिर भी बता दूं कि डायग्नोसिस या रोग निर्णय के लिए हम पेशेंट के नाक से स्वैब या बायोप्सी या सीटी या एमआरआई करवाते हैं, डिपेंडिंग अपन पेशेंट की हालत क्या है। ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीफंगल्स देते हैं, जैसे एम्फोट्रिसिन बी या पोसाकोनाजोल, लेकिन ये पावरफुल मेडिसिन है, इसलिए खुद से नहीं लेना है। इसके अलावा मेन डिजीज़ का इलाज करना है, जैसे डायबिटीज़ हो तो शुगर को कंट्रोल करना है। अगर फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो सर्जिकली उन जगह को रिमूव करना पड़ सकता है। अंत में एट रिस्क पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचाएं? कोविड में जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, वही चीज़ है। मास्क पहनना है, लेकिन एक ही मास्क को बिना धोए बिना साफ किए हर दिन पहनते जाना, ऐसा नहीं करना है। हाथ को सही समय पर धोना है। धूल मिट्टी में काम करने के बाद मुंह, नाक या आँख को नहीं छूना है। जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनको घर के अंदर ही रहना है, और कुछ दिनों के लिए उनको खेतीबाड़ी नहीं करना है। घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर हो तो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है उसको रेगुलरली साफ रखना है, और जैसा नॉर्मल घर के आसपास को साफ सुथरा रखना, बस यही है। तो ये कुछ बातें याद रखिए, और म्यूकरमाइकोसिस आपको होगा ही नहीं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद मिला हो तो फिर शेयर कीजिए ताकि लोगों में भी जानकारी बढ़े।
याद रखिए, घबराना नहीं है, सतर्क रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।